बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं मटन पाया। ठीक है, हमने पाए को बॉईल करने रखा है। अभी इसमें कुछ भी नहीं डाला, नमक भी नहीं डाला, तो पाए में बॉईल आ रहा है। यहाँ पे बताना ये चाहूँगी, जितने आपको बनाने हैं, 4 बनाने हैं, 8 बनाने हैं, उतने पाए लेके और पानी इतना डालेंगे कि पाए अच्छी तरह से उसमें डिप हो जाए। इतना हमने पानी डाला, इसमें अब हम ऐड कर रहे हैं। हमारे पास है 1 टेबल स्पून से थोड़ी सी कम हल्दी, इसमें ऐड कर रहे हैं 1 टेबल स्पून सॉल्ट, थोड़े से इसमें जा रहे हैं गरम मसाले, जिसमें हमारे पास है दालचीनी, थोड़े से हमारे पास हैं तेज़पत्ता, थोड़ी सी काली मिर्चें और थोड़ी सी हमारे पास लौंगें। ये सारी इसमें जा रही हैं, इनके साथ ये पकेंगे। और इसमें डाल रहे हैं हाफ बंच लहसुन का, 5 से 6 जवे साबुत लहसुन के छिलका उतार लिए, और इसको हम पकने के लिए रख देंगे तकरीबन हल्की आंच पे रख देंगे 3 से 4 घंटे के लिए। देखें, थोड़े से इंग्रेडिएंट गए हैं और ये कितना प्यारा सा लगने लग गया है माशाल्लाह। तो इसको पकने देते हैं हल्की आंच पे। नमक हमने इसलिए कम डाला है कि हमने अभी मसाला इसका बनाना है, तो सर्दियों में बहुत मज़े के लगते हैं, इंजॉय करें। ये हमने 3 बड़े साइज़ की प्याज ली है, उसको हमने थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल डाल के फ्राई कर रहे हैं। ऑयल सारा ये अभी निकल जाएगा, बस हमने इसे लाइट गोल्डन कलर करना है, बहुत जल्दी से हो जाएगा। ये हमारे पाए बड़े अच्छे से, ज़बरदस्त से, बेहतरीन से गल गए हैं। इनका रोगन ऊपर आ गया है, बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है, कलर भी बहुत अच्छा आ रहा है। और दूसरी साइड पे हमने प्याज गोल्डन करने रखी है। इस सारे प्रोसीजर में 3 आवर्स लगते हैं। पाया हल्की हल्की आँच पर बनता है तो ही उसका फ्लेवर डिवेलप होता है। अगर हम उसको प्रेशर कुकर में बनाएंगे बन तो वो भी अच्छे जाते हैं, लेकिन इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता। ये हमारी प्याज बहुत अच्छी सी माशाल्लाह से लाइट गोल्डन हुई है, जलाई बिल्कुल नहीं है। इसी से सारा डिपेंड डिश का जो होता है वो प्याज़ों पे होता है। ये हमने 1/2 कप ऑयल लिया है, वही वाला जिसमें हमने प्याज़ फ्राई की थी, बाकी ऑयल हमने हटा दिया है, सिर्फ उसमें से 1/2 कप लिया है, क्योंकि पाए के अंदर अपना रोगन होता है। इस ऑयल में देखें प्याज भी नज़र आ रही है। हम डाल रहे हैं लहसुन का पेस्ट 2 टीस्पून भर के, इसमें जा रहा है 2 टीस्पून भर के जिंजर पेस्ट यानी अदरक का पेस्ट। ये तकरीबन 1 मिनट के बाद, 1 मिनट बहुत अच्छा सा लहसुन अदरक भुना है ऑयल में, उसका कलर चेंज हुआ है। उसके बाद हम स्पाइसेस ऐड कर रहे हैं। इसमें हमारे पास है 2 टेबल स्पून पिसी हुई सूख मिर्च, 2 टेबल स्पून हमारे पास पिसा हुआ धनिया, 1/2 टीस्पून हमारे पास हल्दी है, और 1 टेबल स्पून हमने नमक लिया है क्योंकि हमने नमक पाए के अंदर भी डाला था, और 1 टीस्पून जो है हमारे पास कश्मीरी लाल मिर्च। ये हम ऐड करने लगे हैं अच्छा सा, ये जो भुना हुआ हमारा लहसुन अदरक है उसमें। इसमें हमने डाला है 1 से 2 टेबल स्पून पानी ताकि मसाला अच्छा सा भुन जाए। यहाँ पे हमारे पास है 1/2 kg योगर्ट। ये जो हमने प्याज गोल्डन किया है, लाइट गोल्डन किया है, इस प्याज में हम ये दही डालेंगे। आधी प्याज लेंगे हम दही के लिए, और आधी प्याज जो है हम उसको हम चूरा करेंगे। 1/2 कर लेती हूँ मैं अनियन को, 1/2 हम दही में ब्लेंड कर लेते हैं, 1/2 का हम चूरा कर लेंगे। ये 1/2 प्याज रह गई है, 1/2 प्याज मैंने ब्लेंडर में डाल ली है। इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 कप योगर्ट, 1/2 kg योगर्ट डाल रही हूँ, और इसको अच्छा सा ब्लेंड कर। कितना प्यारा सा हमारा मसाला भुन रहा है, बहुत ही खूबसूरत है माशाल्लाह, और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है इसकी। इसमें हम ऐड कर रहे हैं जो मैंने अभी ब्लेंड किया है प्याज को और दही का मिक्सचर, उसको हम ऐड कर रहे हैं इसमें, और इसको भी बहुत अच्छा सा भूनेंगे। मसाला भूनने में टाइम देंगे 20-25 मिनट लगा के, 30 मिनट्स लगा के अच्छा सा मसाला भूनेंगे। सारा रेसिपी का डिपेंड ही उसी पर होता है। यहाँ पे मैंने ले लिया है अदरक थोड़ा सा, तकरीबन इतना है, इतना अदरक ले लिया मैंने, इतना पीस, 1 इंच का कह लें आप टुकड़ा, उसको छील लिया, स्लाइस किया। अभी इसकी जूलियन कटिंग करती हूँ। थोड़े से लेमन ले लिए हैं, कुछ हरी मिर्चें ले ली हैं, थोड़ा सा हरा धनिया ले लिया है,
और इसकी कटिंग करते हैं बहुत अच्छी सी। यहाँ पे हमारा मसाला ज़बरदस्त सा बेहतरीन सा भून रहा है, इसको हमने कवर किया है कि ये इसकी छींटे अंदर ही उड़ें बाहर ना आए। ये पाए की क्वालिटी ये होती है कि पाया बहुत अच्छा बेहतरीन सा गला हुआ हो लेकिन वो हड्डी से अलग ना हुआ हुआ हो। हमारा ये बहुत बेहतरीन सा गला हुआ है, ये देखें इस तरह से, ये गला हुआ भी है और ये साबुत भी है, टूटा हुआ नहीं है। इसमें हमारी जो फ्राइड अनियन है उसको हमने बहुत अच्छा सा ड्राई कर लिया है पेपर टॉवल पे। इसको हम हाथ से इस तरह से चूरा कर देंगे। हाफ को तो हमने योगर्ट में ब्लेंड कर लिया ना और उसको हमने डाल दिया मसाले में, वो भून रहा है, ये इस तरह से चूरा हो जाएगी इस तरह से। ये देखें प्याज कितनी अच्छी सी क्रंच हो रही है, इसकी क्रंच की आवाज़ भी सुन सकते हैं आप, ये देखें। तो इसको हम लास्ट में ऐड करेंगे, बहुत ज़बरदस्त सी क्रंची क्रंची सी हमारी अनियन है। ये देखें जी जिंजर की कितनी प्यारी सी कटिंग हुई है, हरे धनिया के पत्ते पत्ते अलग किए हैं, यहाँ पे लेमन्स की कटिंग हो गई है और हरी मिर्चें, मुझे हमेशा ही इसी लुक की पसंद आती हैं। तो जितनी देर में ये कटिंग हुई है तो उतने ही टाइम में हमारा मसाला भुन गया ज़बरदस्त सा। ये हाफ कप ऑयल में भुना है और हैरानी वाली बात है कि माशाल्लाह इतने ज़्यादा पाए में हाफ कप ऑयल डाल रहे हैं हम, क्योंकि बाकी पाए का अपना रोगन होता है तो इसमें ज़्यादा ऑयल नहीं जाता है। बिल्कुल हेल्दी वे से बनाए हैं, कोई डिब्बे का पैकेट का मसाला नहीं डाला, बहुत ज़बरदस्ती रेसिपी, ऑथेंटिक रेसिपी। ये ज़बरदस्त सा बॉयल आ रहा है हमारे पाए में बेहतरीन सा, इसमें हम ऐड कर रहे हैं हमारा जो मसाला बेहतरीन किस्म का जो हमने इसे भुना है। मसाला बहुत अच्छा सा हम इसमें एक से दो दफ़ा चम्मच चलाएंगे और इसे 10 मिनट के लिए पकने देंगे कि सारा अच्छा सा रच बस जाए, फ्लेवर सारा इनकॉर्पोरेट हो जाए। ये मसाला हमारा बहुत बेहतरीन सा ज़बरदस्त सा मिक्स हो गया, इसमें बॉईल आ रहा है और इसे हम लो फ्लेम कर देंगे बॉईल के लिए कि अच्छा सा ये पकता रहे। ये देखें बहुत अच्छा सा बॉईल आ गया, इसमें इसका रोगन ऊपर साइडों से आ गया, हमने ऑयल बचा लिया था जो हमने मसाला भुना है। अगर आपको भी ज़्यादा लगे तो आप बचा लिएगा क्योंकि पाए में अपना ही खुद बहुत अच्छा रोगन होता है, ज़्यादा ऑयल किसी की भी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। इसमें प्याज ऐड कर रहे हैं जो हमने चूरा की है, फ्राइड अनियन हमारी क्रिस्पी सी, उसको हम चूरा करके डाल रहे हैं मज़ेदार सी। गर्मा गर्म पाए सर्दियों में विंटर स्पेशल मौसम के हिसाब से बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी। इसमें हम ऐड कर रहे हैं 1 टेबल स्पून गरम मसाला पिसा हुआ। इसमें सारा कुछ है, छोटी इलायची है, बड़ी इलायची है, सारी चीज़ों का पाउडर है, तो इसलिए हमने और एक्स्ट्रा कुछ नहीं डाला। और इसमें ऐड कर रहे हैं हम लेमन जूस, एक छोटे साइज़ का लीमू है, उसकी कुछ बूंदें टपका रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त से गर्मा गर्म से रेडी हैं, 5 मिनट्स में हम इसका फ्लेम ऑफ कर रहे हैं।